तो भाई फाइनली मैंने देखा किसी का भाई किसी की जान यार। क्या दिखा रहे हैं ये लोग यार, क्या दिखा रहे हैं। जब तक मैं पहले लाइन पे ही ये बोलूंगा, रिव्यू की स्टार्टिंग से ये बोलूंगा, भाई फहाद सामजी को जब तक आप लोग डायरेक्टर के तौर पे रखोगे ना, इस तरह की आउटपुट, इस तरह की कंटेंट, इस तरह की फिल्म आते ही रहेंगे। और अगर आप फिर ये हेरा फेरी 3 फिल्म के लिए एक्साइटेड हो कि अक्षय कुमार हैं, राजू श्याम बाबूराव इन लोगों को देखने को मिलेगा बोल करके एक्साइटेड हो, तो मत हो मेरे भाई। हेरा फेरी सीरीज को देखना चाहते तो हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी देखते रहो बार बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हेरा फेरी 3 अगर देख लिए अपना तो गया सब कुछ। देखो मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूं इस फिल्म के लिए, ये डायरेक्टर के लिए, कि हेरा फेरी 3 का भी रिव्यू करने लग गया हूं मैं अभी, ठीक है ना। इतना बकवास लगा मुझे, इतना बकवास लगा। देखो ये रीमेक मूवी है, पहली बात तो ये रीमेक मूवी है। कत्ता मारायूडू फिल्म देखो बहुत जबरदस्त लगता है, बीरम देखो बहुत जबरदस्त लगता है, एक चीज होता है उसमें देखने में मजा आता है उसमें, लेकिन वही रीमेक वो फिल्मों से यहाँ पे वो स्टोरी लाया गया, बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस है, बहुत कुछ चेंजेस हैं और बिगाड़ भी दिए हैं। ओके मतलब इतना बकवास लगता है कि कहाँ की स्टोरी कहाँ पे मर्च होता है क्या नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं जो आप सोचते रह जाओगे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक वैसा ही लगेगा। एक विलेन है यहाँ पे जगपति बाबू को छोड़ करके, उनको उनके उनके बाद में बात में करता हूँ, एक विलेन है जगपति बाबू को छोड़ करके और एक विलेन है, और फिल्म के क्लाइमेक्स में पता चलता है कि वो मैन विलेन है, लेकिन भाई वो किस तरह का विलेन है, एक टिकटॉकर के टाइप का, मतलब वो जब चलता है उसकी, पहले तो उसकी 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 साउंड आप समझ नहीं पाओगे, उसकी वॉइस आप समझ नहीं पाओगे, हिलता रहता है जब चलेगा, इतना बकवास लगता है उसे। और जगपति बाबू सर वो तो खतरनाक विलेन के किरदार में आते ही हैं, हम उनकी विलेनी को देखते हैं, बहुत जबरदस्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोर्सलेस बेसलेस, विलेन का कोई स्टोरी ही नहीं है, विलेन की कोई मतलब कुछ भी नहीं है, विलेन का क्यों ऐसा हो रहा है, ये विलेन क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। राउडी अन्ना करके यहाँ पे एक मिस्ट्री वाला नाम क्रिएट होता है, बाद में पता चलता है कि वो कौन है, लेकिन वो राउडी अन्ना क्यों था, बाद में ऐसा क्यों हुआ, इसका भी कोई स्टोरी नहीं है। मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे जो आप उंगली करते रहोगे, सलमान खान सर को या उतना मजा नहीं आया उनको भी देख करके, मतलब स्लीपिंग मोड टाइप का लगा उनको। पूजा हेगड़े का एकदम से, आप जितने भी फिल्म उसके देखे हो ना, आप कहते हो ना कि पूजा हेगड़े ओवर एक्टिंग करती है, ओवर एक्टिंग करती है, इसमें सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग है। कॉमेडी सीन, रोमांस सीन, रोमांस पहले वेले जो, मतलब फर्स्ट हाफ तो पूरा पूरा का पूरा पूजा हेगड़े का है और आपको बकवास ही करेगा करेगी, मतलब हर एक फ्रेम में आप सर ही पकड़ लो कि भाई मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, नेक्स्ट सीन कब आएगा, आप ऐसे ही सोचोगे, मतलब बिल्कुल बेसलेस, मजा नहीं आया, टोटली डिसअपॉइंटेड या टोटली डिसअपॉइंट, मजा नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मैं क्या ही मैं बताऊं इस तरह की फिल्म यार। सलमान खान सर ना पठान मूवी में एक छोटा सा कैमियो किए थे, ओके 4 से 5 मिनट होगा मैक्सिमम, लेकिन वो 4 से 5 मिनट के लिए पठान मूवी कितना खतरनाक हो गया, एकदम से माहौल क्रिएट कर दिया, स्टेडियम जैसा माहौल क्रिएट कर दिया, और वो सीन इतना वायरल हुआ और इतना जबरदस्त लगता है वो, क्या ही मैं बताऊं। 5 मिनट में क्यों लगे थे, क्योंकि वहां पे सिद्धार्थ आनंद थे, पठान जैसी फिल्म थी, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा फिल्म में सलमान खान है, लेकिन फिल्म बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम से बेसलेस, बेकार लगता है पूरा, एकदम से बेकार लगता है, पूरा का पूरा फिल्म में सलमान खान है, फिर भी यही यही ताकत होती है, यही ताकत होती है, यही पावर होती है, एक्चुअली ये सोर्स होती है एक फिल्म की, एक डायरेक्टर की और एक बेहतरीन डायरेक्शन की। यार मैं टोटली डिसअपॉइंट हो गया हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आप देख चुके हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। यार कहते हैं ना कि फिल्म के अंदर गाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे गानों के अंदर फिल्म है यार, अभी मैं आपको और क्या बताऊँ, मतलब उस तरह का फिल्म है ये। और देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे एलिगेशन डालेंगे कि ये रिमेक मूवी है इसलिए फिल्म अच्छा नहीं है, कोई कहेगा कि बहुत सारे गाने हैं इसलिए अच्छा नहीं है, भाई अगर ये रिमेक भी नहीं होता, इसमें गाने भी कम होते, फिर भी फिल्म अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूरा का पूरा फिल्म में कोई भी सीन ऐसा नहीं है कि जो कि आपके दिल को छू जाए, बहुत सारे सीन ऐसे हैं कि भाई ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपके मन में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार, बस स्टाइल स्वैग और ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं, अपनी मनमर्जी के टाइप का, उस तरह का है सीन और कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसलेस लगा, टोटली डिसअपॉइंटेड हूं मैं, एक पॉइंट भी मुझे नहीं लगा कि मतलब अच्छा है बोल करके। ओके आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।